how are you? I'm thinking you all are doing great. So from today, I'm going to start a 21-day diet plan. Actually, I had already started a diet plan. So for dinner, I'm going to cook boiled fish. For that, मेरे पास दो boiled fish, आप देख सकते हो दो रोहू के बड़े बड़े पीसेस हैं। इसको मैंने बस हल्दी डालकर और थोड़ा सा हल्का सा नमक डालकर मैंने मैरिनेट कर दिया था। उसके बाद मेरे पास है मस्टर्ड सीड्स विथ गार्लिक। ओके, तो सबसे पहले बॉइल्ड फिश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर और लंबी वाली जो शिमला मिर्च होती है वो ऐड कर दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने पेस्ट बना ली है, अभी जो मैंने दिखाया था मस्टर्ड सीड्स और गार्लिक का पेस्ट बनाया है। उसमें थोड़ा सा हल्का सा मैंने आप देख सकते हो लिक्विड कंसिस्टेंसी रखी है, उसको मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। आई हैव सम बेसिकली आपको प्यूरी बनानी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वाटर मिक्स करना है, वाटर मिक्स करके दोबारा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द फिश, ठीक है। थोड़ा सा फिश मैं यहाँ ऐड करती हूँ। अब हो सकता है कि हल्का सा आपको अच्छा ना लगे कि वाइट कलर की ग्रेवी बनी है, तो यू कैन ऐड अ बिट ऑफ हल्दी अगेन, बट हाँ मैंने ऑलरेडी ऐड कर दी है तो इसलिए मैं दोबारा इसमें हल्दी ऐड नहीं कर रही हूँ। अब ये बेसिक हमारी जो डिश है तैयार है, इसमें मैं बस एकदम चुटकी भर बिल्कुल ना के बराबर मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी फॉर द स्मेल। इससे स्मेल अच्छी आती है, तो या डेफिनेटली आई एम यूजिंग द मस्टर्ड ऑयल दैट इज ऑफ नेचर लैंड, ठीक है। ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपके घर में जो भी मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल है यू कैन यूज। नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट अ बिट, ठीक है। आप आराम से इसको बस थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा इसको लगा लिपटा सा कर लीजिए। मैं यहाँ इस तरीके से इसको बस थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। फिश के पीसेस बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत ईजीली टूट जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको सिंपल रखना है, थोड़ा सा बस इसको मिक्स करना है। बाकी प्रेशर कुकर अपने आप खुद काम कर लेगा। अब इसको मैं स्टीम करूँगी प्रेशर कुकर में, तो आइए थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हमारी फिश बन रही है। तब तक हम थोड़ा इसके न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। रोहू इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हाँ, ये वही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जिसके कैप्सूल्स मिलते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के भी कैप्सूल्स मिलते हैं। तो इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन दिस कैप्सूल्स, हम ऐसे नेचुरल सोर्सेज से भी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ये सारे फैटी एसिड्स एक्वायर कर सकते हैं। एंड दिस फैटी एसिड इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। इसके अलावा इसमें अ वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स भी होते हैं। 100 ग्राम रोहू में 10 से लेकर 20 ग्राम प्रोटीन तक हो सकता है। इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाटर, डिफरेंट मिनरल्स स्पेशली फॉस्फोरस कैल्शियम। बात करें मस्टर्ड सीड्स की तो डेफिनेटली इट इज अ सीड, तो इसमें गुड क्वांटिटी ऑफ फैट, क्योंकि ये ऑयल सीड है सबको पता है, गुड क्वांटिटी ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन ई पाई जाती है। बात करें हम गार्लिक की जिसको मैंने ऐड किया है, तो गार्लिक एज वी ऑल नो दैट कि एक बहुत ही असेंशियल स्पाइस है इंडियन किचन में, है ना। कोई भी नॉन वेजिटेरियन स्पेशली गार्लिक जिंजर के बिना बनता नहीं है। लेकिन इसके अलावा गार्लिक जो है इट ऑल्सो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स, इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। तो यस, डेफिनेटली बहुत ही कम कैलोरी में हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक्वायर कर। सो फाइनली वी आर डन विद आवर रेसिपी, देखते हैं कैसा बना है हमारा बॉइल्ड फिश। देख सकते हो बहुत ही यम है, एक्चुअली खाने में बहुत ज़्यादा यम है, प्लस मैं आपको बोल नहीं पा रही हूँ स्मेल इसकी बहुत ज़्यादा गजब है। मैं अपने मम्मी से पूछती हूँ, माँ कहने वाले से कुंभ दो और कुंभ, तो आप देख पा रहे हो मम्मी भी कह रही है स्मेल बहुत अच्छा है, इनका पूरे घर में इसकी अरोमा फैल गई है। डेफिनेटली ट्राई दिस रेसिपी, हेल्दी है, हार्ट हेल्दी है, ब्रेन हेल्दी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।